एक कछुए की व्याकुलता कि भगवान विष्णु को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उसके कितने जीवन निकल गए, क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर विश्राम कर रहे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शेष सैया से बाहर निकल गया। इस दृश्य को एक कछुआ देख रहा था। मन में यह विचार कर लिया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेष नाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकार मारी। फुंकार सुनकर कछुआ डर कर वहां से भाग निकला। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेषनाग और लक्ष्मी जी लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा और तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का अवतार लेंगे, वहीं शेषनाग लक्ष्मण का, वहीं लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित होंगी। वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए यह भी केवट बनकर वहां आ गया। एक युग में भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए, इसीलिए उसने राम जी से कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, भेद जानता हूं। संत श्री तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते हैं, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। केवल इतना ही नहीं प्रभु, इस बार केवट उस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके हुंकारते थे और मैं डर जाता था, अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया और लक्ष्मण के तीर से मर जाने उसे स्वीकार था। इस अवसर को खो देना नहीं है, सोच लिया उसने कि अब इस अवसर को मैं खोऊंगा नहीं, प्राप्त करूंगा। इतने जन्म निकल गए, इतनी योनियां बीत गईं, भगवान का एक नक्श तक स्पर्श नहीं कर पाया। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास ने लिखा है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास आगे और लिखते हैं
केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं कहो अब क्या करो। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था ये, और तुम लोगों ने इसे भगा दिया, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके और पितरों को भवसागर से पार कर दिया। फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रही थी। बड़ा प्यारा दृश्य है, भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर बेकटौती से बाहर रख देता, और जब दूसरा धोने लगता तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भर लग जाती। केवट दूसरा पैर बाहर रखते फिर पहले वाले को धोने लगता, एक पैर को 7 बार धोता। ये सब देखकर कहते हैं प्रभु कि एक पैर कटौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो जाए। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कटौती में और दूसरा केवट के हाथ में। भगवान दोनों पैरों से बड़े नहीं, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख, खड़े हो जाइए फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला प्रभु क्या कह रहे हैं आप। भगवान बोले सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। केवट ने आज भगवान को पाने के अपने जीवन में बड़े प्रयत्न किए, कितने जन्मों कितने योनियां उसने भगवान को पाने में व्यतीत कर दी, और एक युग निकलने के बाद दूसरे युग में उसने भगवान को प्राप्त ही कर लिया। लेकिन इंसान कभी भी भगवान को प्राप्त करने का सोचता भी नहीं है, केवल भगवान से मांगता ही मांगता है। प्रीत कोई करता नहीं, केवल धन मांगता है, धन दे दो। सीता राम कहिए, राम 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 कहिए।